और जैसे कि स्कूल कचरे में आता है रद्दी पेपर प्लास्टिक के कोई भी आइटम टूटा फूटा प्लास्टिक वगैरह होता है वो गाड़ी में हरी साइड डालना है। और जैसे हानिकारक कचरा होता है एक्सपायरी इंजेक्शन है और यूज टू इंजेक्शन है एक्सपायरी दवाइयाँ हैं और टूटा फूटा कहाँ से नगर पालिका की गाड़ी किसमें हेल्पर क्यों नहीं दे रहे इस गाड़ी में हेल्पर क्यों नहीं जैसे कोई वृद्ध है नहीं आ पा रहा कचरा डालने तो उसका वहाँ से वहाँ से डाल सकते हाँ देखो हेल्पर इसके लिए नहीं होता है हेल्पर अभी तो सफाई वगैरह हो तो जब ये लगती थी डबल डबल लगती थी हमें इस गाड़ी में डबल वाले ड्राइवर इस गाड़ी में डबल नहीं आएंगे जो गाड़ी यहाँ पर आती है इसमें डबल नहीं आएंगे। हाँ अंकल जी का सुझाव में से अच्छा है उन्होंने कहा सुझाव के लिए कहा सुझाव सीनियर सिटीजन नहीं उठ पा रहा तो कचरा सवाल की सूचना हमने पहले भी नगर पालिका में दे दी गई थी हमारी हेल्पर की आवश्यकता है उन्होंने ये कहा था जो गाड़ी ये चल रही है इन पर डबल नहीं है बाकी सब गाड़ियों पर डबल नहीं है जो गाड़ी अभी यहाँ से रही है उस पर डबल नहीं है तो ये आपको नहीं डालना है जो सूखे कचरे में आते हैं जैसे कि अगर हानिकारक कचरा होता है हानिकारक कचरे में एक्सपायर दवाइयाँ वगैरह आस्पिरिन वगैरह होती और कांच फूट जाते तो पीछे बॉक्स बना हुआ है तो उसी में डालना है बच्चों के डायपर वगैरह होते हैं उसका भी बॉक्स बना हुआ है। और जैसे अगर आप चाहें गीला कचरा जैसे आपको नहीं देना है तो अपने घर में दो मटकी लाइए आप और एक मटका पहले आप रख लीजिए उसमें जो भी आपका गीला कचरा निकलता है जैसे कि सब्जी फल के छिलके चाय पत्ती बचा हुआ खाना वगैरह उसी मटकी में डालते जाइए आप जितना आपका मटका भर जाए उसमें थोड़ा सा मट्ठा और गुड़ डाल के आप रख दें उसका मुँह बांध के रखना है कपड़े से छांव में धुएं में रख दो पानी से बचाना है पानी उस पर ना जाए। और आपका समथिंग 15 दिन समथिंग खाद तैयार हो जाता है अगर खाद की क्वालिटी अच्छी रहती है तो हम लोगों के द्वारा 3 रुपए किलो में आपसे खरीद लिया जाएगा वो अगर आपने छत पर प्लांट पौधे वगैरह लगा दें तो उसमें उपयोग कर सकती हैं उसे आप ठीक है। फिर भी आती है ना तो आपको ये करना है जैसे कि अपने घर में 2 डस्टबिन बनाने हैं आपको जैसे सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना है जैसे कि गीले कचरे में आ गया सब्जी छिलके वगैरह होते जो और चाय पत्ती वगैरह तो ये आपको हरी साथ डालना है गाड़ी में और सूखे कचरे में आता पॉलिथीन वगैरह रद्दी पेपर वगैरह डालो जैसे कि हानिकारक कचरे में आता है एक्सपायर दवाइयाँ वगैरह सिरिंज कांच फूट जाते जो तो पीछे बॉक्स बना हुआ है गाड़ी में तो उसमें डालना है बच्चों को डाइपर है।